वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर सेट यानी कि समुच्चय। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को, और मैंने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट किसे कहते हैं, ठीक है, और उस बेटर ने प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। चलिए यही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। करा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। यानी कि कह रहा है कि जो भी समुच्चय दिया गया है यहाँ पे, यानी कि युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कि जो समुच्चय है ये मेरा क्या है, समान है कि नहीं। यानी कि हमको बताना है कि ये जो समुच्चय जो युग्म है इक्वल है या नहीं, क्या कारण सहित बताना है, यानी कि हमको इसमें क्या करना है, रीजन भी देना है। तो सबसे पहले जो सेट ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 3 एलिमेंट है, और बी में मेरा क्या है, एक्स एलिमेंट है, और एक्स में क्या, एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6=0 का एक हल है या नहीं। लेकिन हम देखेंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 जो है मेरा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 है, ये मेरा एक हल है या नहीं। तो हमको पता है इसको ऐसे द्विघात समीकरण क्या करते हैं, मिड टर्म में ब्रेक करते हैं। हम 6 का एलसीएम निकालेंगे, हम इसको देखेंगे 2 और 3 आएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3x+6। एक्स कॉमन ले लेंगे तो x+2 हो जाएगा, +3 कॉमन लेंगे तो x+2 हो जाएगा, x+2 एक ब्रैकेट में और x+3 एक ब्रैकेट में। यदि इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो x+2=0 करेंगे तो x क्या -2 आ जाएगा, x+3=0 करेंगे तो एक्स क्यूब कितनी है, -3। यानी कि जो मेरा दिया गया है पॉलीनोमियल यानी कि द्विघात समीकरण, ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कौन सी आ रही है, -2 और -3। यानी कि b में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, -2 और -3। लेकिन हमारे पास a में कौन सा एलिमेंट है, 2 और 3। तो क्या ये दोनों सेट आपस में समान है, नहीं। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे a में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 3, और b में कह रहा है x एलिमेंट है, और x की प्रॉपर्टी क्या है, x² + 5x+6=0 का एक हल है। यानी कि यह जो आंसर आएगा यह इसका क्या सेट है। अगर मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, देखा x की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है और -3, यानी कि b में कौन कौन से एलिमेंट है, -2 और -3, लेकिन a में कौन से एलिमेंट है, 2 और 3। तो ये दोनों सेट आपस में क्या है, नॉट इक्वल है। क्यों, क्योंकि a के पास 2 है लेकिन b के पास वो एलिमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट a है, a में कितने एलिमेंट है, x एलिमेंट है, x की क्या प्रॉपर्टी है, x शब्द फालो का एक अक्षर है। यानी कि जो a सेट है उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, फालो वर्ड के। तो हमको पता है कि सेट में रिपीटेशन वर्ड को हम नहीं लिखते हैं, केवल एक बार लिखते हैं। तो f हो गया, फिर o हो गया, फिर l हो गया, फिर l आ गया, इसको छोड़ देंगे, फिर o है क्योंकि o लिख लिया, o को भी छोड़ देंगे, फिर क्या है, w को लिख लेंगे। मैंने क्या किया, a में x एलिमेंट है, x की प्रॉपर्टी क्या है, फॉलो वर्ड। तो फॉलो वर्ड में जितने वर्ड है उनका मैंने क्या किया, एक सेट बना लिया। फिर b सेट कर रहा है जिसे y एलिमेंट है, y की क्या प्रॉपर्टी है, शब्द उल्प, उल्प शब्द का एक अक्षर है। यानी कि तो b सेट में कौन कौन से वर्ड है, w है, o है, l है और f है। अब हम देखेंगे क्या सेट a और क्या सेट b दोनों के एलिमेंट क्या सेम है। अगर देखें तो f इसके पास भी है, o इसके पास भी है, l इसके पास भी है, w इसके पास भी है। यानी कि सारे एलिमेंट क्या है, जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट क्या है, b में है। जो एलिमेंट b में है वही एलिमेंट में किसमें, a में है। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, a इक्वल b। यानी कि जो दोनों सेट है आपस में क्या है, समान सेट है। यानी कि दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है, इसलिए दोनों सेट मेरे क्या है, समान सेट है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, यानी कि ये सारे समुच्चय दिए गए हैं, इन समुच्चयों में हमको बताना है कौन से समुच्चय क्या है, समान समुच्चय है। अगर हम ध्यान से देखें, ए के पास कौन सा एलिमेंट है, 2, 4, 8 और 12, तो क्या बी के पास वो एलिमेंट है, नहीं, न सी के पास एलिमेंट है, न डी के पास वो एलिमेंट है, न ई के पास, न एफ के पास, न जी के पास, न एच के पास, तो हम ए क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर बी के पास आएंगे, बी के पास कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, क्या बी के पास वो एलिमेंट सी के पास है, नहीं, लेकिन डी के पास है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, तो बी के पास कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट है, और डी के पास क्या है मेरा, 3, 1, 4 और 2। अगर ध्यान से देखें, इसके पास भी 1 एलिमेंट है, इसके पास भी 2 एलिमेंट है, इसके पास भी 3 और इसके पास भी 4 है, यानी कि दोनों सेट में क्या है, सेम एलिमेंट है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, बी इक्वल डी, यानी कि जो सेट बी है और जो सेट डी है आपस में कैसा समुच्चय है, समान समुच्चय, यानी कि क्या है, इक्वल सेट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी तरीके से सी के पास चलते हैं, अब सी के पास कौन कौन से एलिमेंट है, 4, 8, 12 और 14, तो क्या डी के पास है, नहीं, क्या ई के पास है, नहीं, क्या एफ के पास है, नहीं, क्या जी के पास है, नहीं, क्या एच के पास है, नहीं, तो उनका कह देंगे सी को भी छोड़ देंगे। और डी से डी किसकी इक्वल है, बी के, तो डी वाला सेट हो गया है। अब ई के पास आते हैं, ई के पास कौन सा एलिमेंट है, -1 और 1, तो क्या वो एफ के पास है, नहीं, लेकिन जी के पास है, तो एफ के पास कौन सा एलिमेंट है, -1, 1 है, और जी के पास भी कौन सा एलिमेंट है, -1, 1, यानी कि एफ और जी दोनों आपस में क्या कराएंगे, इक्वल सेट कराएंगे, इसे क्या लिखेंगे, इक्वल सेट, क्यों, क्योंकि एफ के पास भी जो एलिमेंट है वही मेरा क्या है, जी के पास भी वही एलिमेंट है। चलिए देखते हैं, एफ, एफ के पास कौन सा एलिमेंट है, सॉरी यहाँ पे ये ई सेट है, ई के पास कौन सा, ई सेट में कौन सा एलिमेंट है, -1 और 1, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ई कर लेंगे, यानी ई सेट के पास -1 और 1 एलिमेंट है, और जी के पास क्या, -1 और 1 एलिमेंट है, तो ई और जी सेट आपस में क्या करेंगे, इक्वल सेट कराएंगे। एफ के पास कौन सा एलिमेंट है, 0 और 1, क्या जी के पास है, नहीं, एच के पास 0 तो है लेकिन ए है, नहीं, लेकिन एच के पास 1 है, तो न यह सेट आपस में कराएंगे, न यह और न यह, जी, जी मेरा किससे कराएगा, ई से, यानी कि एफ और एच आपस में इक्वल सेट नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि एफ के पास एलिमेंट कौन सा है, 0 और 1, और एच के पास कौन सा एलिमेंट है, 0 और 1, हमको इक्वल सेट की प्रॉपर्टी क्या पता है, क्योंकि इक्वल सेट की प्रॉपर्टी कहता है कि जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट मेरा क्या, बी में होना चाहिए, फिर कहता है कि जो एलिमेंट बी में हो वही एलिमेंट मेरा क्या, ए में होना चाहिए, तो जो यहाँ पे 0 है इसमें भी 0 है, ठीक है, लेकिन इसके पास क्या, ए है, लेकिन इसके पास ए नहीं है, इसके पास 1 है ना, इसके पास 1 है, इसलिए यह दोनों सेट आपस में इक्वल सेट नहीं कराएंगे, यानी कि एफ नॉट इक्वल एच, यानी कि यह दोनों सेट क्या है, समान समुच्चय नहीं है। थैंक यू। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक